हेलो दोस्तों, सुनीता राघव रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक के कोफ्ते, जिसके लिए हमें चाहिए एक गोल पालक, तकरीबन आधा गुच्छी, तीन आलू मीडियम साइज़ के हैं, बॉईल किए हुए, मैश किए हुए, और तीन बड़ा चम्मच बेसन, दो बड़े चम्मच काजू और बादाम दिया हुआ है, एक चम्मच किशमिश ली हुई है, और एक टीस्पून इलायची हरी वाली, नमक स्वाद अनुसार, और ग्रेवी के लिए हमने लिया हुआ है दो प्याज हैं मीडियम साइज़ के, और पाँच से छः कलियाँ लहसुन की हैं, एक इंच टुकड़ा अदरक का है जिसको हमने पेस्ट बना लिया है, दो टमाटर लिए हुए हैं जिसकी हमने प्यूरी बना ली है, आधा कप दूध, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टेबलस्पून धनिया, एक टीस्पून गरम मसाला और छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा, स्वादानुसार नमक। पालक को नमक वाले पानी में हमने बॉईल करना है, उसके बाद छान के इसका पानी एक्स्ट्रा हमने एक साइड रख लेना है। कोफ्ते के लिए अब हम इसमें पालक डालेंगे, बॉईल किया हुआ पालक है, आलू मैश किए हुए, बेसन, हरी इलायची का पाउडर और स्वादानुसार नमक, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। बैटर अगर पतला लगे तो उसमें थोड़ा सा बेसन हम और मिला लेंगे। चलिए अब हम कोफ्ते बनाते हैं। थोड़ा सा तेल लगाते हैं हाथ पे, हाथ पे इसको फैला लेते हैं। थोड़ा सा बादाम और काजू का मिक्सचर, एक दो किशमिश, ये सब लेके इसको फोल्ड कर देंगे और गोल आकार के कोफ्ते हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, इसी तरह हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते तैयार हैं, अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, आंच को हम धीमा कर लेते हैं। अब हम एक एक करके कोफ्ते इसमें डालेंगे। दो से तीन कोफ्ते ही हम डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको धीमी आंच पे हम सेकेंगे। लीजिए कोफ्ते तैयार हैं, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है, अब हम दो से तीन बड़े चम्मच तेल डालेंगे। आंच को कम कर लेंगे हम और इसमें पेस्ट डालेंगे। इसको एक मिनट तक हम इसको भूनेंगे चलाते हुए, आंच को तेज कर लेंगे। पेस्ट भून गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है ये। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। इसको चलाते हुए तकरीबन एक मिनट हम इसको भूनेंगे। प्यूरी अच्छे से पक गई है, अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, स्वाद के अनुसार नमक। इसको मिक्स कर लेंगे। आधा कप दूध, इसको चलाते जाएंगे ताकि ये फट ना जाए। आंच को हम तेज कर लेंगे।
देखिए ग्रेवी हमारी पक गई है। अब हम इसमें पालक जो हमने बॉईल किया था वो पानी हमने निकाला हुआ है वो थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो रखी है। अब हम इसको थोड़ा सा पतला करते हैं ताकि हमारा पालक का पानी जो है वो भी वेस्ट ना जाए। ग्रेवी पक गई है, अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। आंच को हम धीमा कर लेंगे, एक एक करके कोफ्ते डालते जाएंगे। अब इसको चला देंगे थोड़ी देर, इसके ऊपर हम ग्रेवी डाल देंगे और एक मिनट के लिए ढक के रख देंगे, फिर हम प्लेटिंग करेंगे। पालक कोफ्ते तैयार हैं, अब ऊपर से हम धनिए से सजा देंगे इनको। आप इनको गर्मा गर्म चावल, चपाती या नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।